बेटा कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में। आपका विषय क्या है बेटा? सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। स्वागत है ना। लोकतंत्र क्या? तो लोकतंत्र के बारे में आपको मैंने पूरा बताया था बेटा। लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र। तो लोकतंत्र की परिभाषा ये बताई थी कि लोगों को, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के माध्यम से चुना गया जो एक प्रतिनिधि। लोकतंत्र मतलब जनता के, लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र। तो पूरे प्रजातंत्र के विषय में आपको मैंने जानकारी दी थी, उसकी विशेषताएं बताई थी, अर्थ बताया था, परिभाषा बताई थी। अब बेटा उसके आगे आज मैं आपको प्रश्न बताऊंगी, आप देखोगे बेटा। नागरिकों के तौर पे मतलब जो नागरिक होते हैं, हम जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? अगर कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो प्रतिनिधि किसके लिए काम करता है? जनता के लिए, क्योंकि जनता उनकी मतलब उनको उसको चुनती है। वह भी हमारे देश के लोकतांत्रिक को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। मतलब जो हमारे लोकतंत्र को मतलब वो नागरिक जो अपन जिसको अपन ने चुना है अच्छा या खराब बनाने में अपनी क्या करता है? लोकतंत्र की ताकत है। यही कमजोरी भी लोकतंत्र की व्यवस्थाएं नागरिकों को क्या बनाती है? सक्रिय बनाती है। क्या बनाती है? सक्रिय बनाती है और भागीदारी पर निर्भर, उनकी जो भागीदारी उस पर क्या करती है? निर्भर करती है। इस लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की राजनीति पर हम ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं। मतलब जो लोकतंत्र की काम राजनीति है उस पर क्या करेंगे? ध्यान आकर्षित करेंगे कि जो अपन प्रतिनिधि चुना है तो कैसा है, उसकी भागीदारी कितनी है, वह तो अपने लिए कितना सक्रिय है। और फिर चुनाव जीतने के लिए मतलब मेक्सिको में PRI इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशनरी पार्टी है जो, वो चुनाव के जीतने के लिए कौन कौन से मतलब हथकंडे अपनाती है? आपने देखा होगा बेटा, अगर अपने यहाँ भी कभी चुनाव होता है तो जो उम्मीदवार होता है ना, वो क्या क्या करता है? हर तरीके से चाहता है कि हम क्या करें? जीत जाए। तो चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपना कर हर हाल में जीत हासिल करने की मतलब PRI मतलब फेमस थी, कुख्यात थी। सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी में बैठक जाना अनिवार्य था। मतलब वहाँ पर मेक्सिको में ऐसा वो है कि जो भी मतलब पर्सन या व्यक्ति काम करता है किसी कार्यालय में, कहीं भी मतलब सरकारी कार्यालय में, दफ्तरों में जितने भी होते हैं उनमें कार्य करने वाले व्यक्ति व्यक्ति जो होता है ना, उसको उस चुनाव की बैठक में जाना क्या होता था? अनिवार्य होता था। दूसरा, सरकारी स्कूल के जो अध्यापक अपने छात्र छात्राओं को, माता पिता को, मतलब जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो वो माता पिता से भी PRI की वोट देने, मतलब बच्चों को शिक्षक बोलता था कि बेटा अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बोलो कि वो किसको वोट दें? PRI को वोट दें। मीडिया भी जब परीक्षार्थी दल की आलोचना करने के अलावा, मतलब मीडिया भी जब विपक्षी दल की जो आलोचना करते थे, मीडिया होती थी वह क्या करती थी? आलोचना करती थी। तो विपक्षी दल की आलोचना करने से अलावा उसकी गतिविधियों को नज़रअंदाज क्या कर दिया जाता था? नंदक मतलब जो मीडिया थी, अगर बुरा मतलब उसकी विपक्षी दल की आलोचना करे तो उसके अलावा उनकी गतिविधियों को क्या कर देते थे? नज़रअंदाज भी कर देते। जब भी विपक्षी दल आलोचना करने के अलावा, फिर उसके बाद में बेटा चौथा है, कई बार एकदम अंतिम क्षणों में, मतलब चौथा वाला बेटा कई बार अंतिम एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्र में, मतलब जो मतदान केंद्र होता है आपने देखा होगा बेटा, जब अपने हम अपने यहाँ शहर में मतदान होता है तो एक मतदान केंद्र बनाया जाता है, हाँ, एक जगह से हटकर दूसरी जगह का वो जो संस्था थी या जो भी उम्मीदवार जो थे तो वहाँ से हटकर दूसरी जगह जाते थे, जिससे अनेक वोट भी नहीं डाल, मतलब अनेक लोग क्या नहीं कर पाते थे? वोट नहीं डाल पाते थे। फिर है PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार पर काफ़ी पैसा, आपने देखा होगा बेटा, तो चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है बेटा?
समानता के लिए, आपका चौथा प्रश्न है बेटा ये, लोकतंत्र राजनीति समानता के लिए बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, तो मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण दीजिए। मतलब आपको मतलब जो मतदान होता है उसको मतलब से वंचित रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। तो लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष, मतलब आप बताएं लोकतंत्र के लिए क्या संघर्ष, आपने देखा होगा जब दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं तो क्या क्या करते हैं ना, इससे भली बात आप परिचित हो। सर्वभौम वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब 18 वर्ष से हो जाएंगे तो आपको मतदान देने का क्या है, अधिकार है। लोकतंत्र के लिए बड़ा सर्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत में लगभग पूरे विश्व में मान लिया गया है कि किसी व्यक्ति को मतदान से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। मतलब आपको मतदान से वंचित, मतलब आपको आप उससे वंचित कैसे मतलब रह सकते, मतलब कोई नहीं कर सकता मतदान देने से, तो मतदान से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। तो सबसे पहले है बेटा ऑस्ट्रेलिया में अपने ही नागरिकों को नियम के कुछ इस प्रकार से बनाए हैं कि दूसरी अल्पसंख्यक समाज के लोग को मतदान अधिकार हासिल करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। मतलब जब वहाँ चुनाव होते हैं तो अल्पसंख्यक समाज के कई लोगों को वहाँ पर क्या होता है, मतदान देने मतलब कठिनाइयाँ होती हैं। फिर है फिजी की चुनाव प्रणाली, फिजी की चुनाव प्रणाली है बेटा, यहाँ पे भी मूल निवासियों को वोट, मतलब फिजी में चुनाव प्रणाली वहाँ के मूल निवासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों को वोट से ज़्यादा है। जो भारतीय मूल फिजी है वहाँ के नागरिकों से क्या है, ज़्यादा है। मतलब वहाँ फिजी में वहाँ पे दूसरे लोगों को सिर्फ मूल निवासी जो होते हैं वहाँ पर वोट का महत्व केवल उन्हीं का है। फिर उसके बाद है बेटा तीसरा है आपका कि 2015 तक सऊदी अरब है, जो सऊदी अरब है वहां पर स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, मतलब 2015 तक। लेकिन अब सऊदी अरब में मताधिकार का, महिलाओं को मताधिकार का मतलब देने का वो है। राजनीतिक दलों की फिर है लोग, उसके बाद है बेटा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है आपका, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न में लोकतंत्र की विशेषताएं, तो ये है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र के विशेष प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है, मतलब जो लोकतंत्र है वो प्रजातंत्र की एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी लोग अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के साथ समान अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर सभी को एक तरीके के क्या प्राप्त है, समान मतलब समान महत्व इन लोग को प्राप्त है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की क्या है, गरिमा है। यहाँ समानता, स्वतंत्रता, मातृत्व और न्याय, यहाँ की गरिमा में आपको समानता भी मिलेगी, स्वतंत्रता भी मिलेगी, मातृत्व भी मिलेगा और न्याय के सिद्धांत पर क्या है आधारित है। उन विराम पर प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं, तो सबसे पहले है बेटा, पहला है जनता संप्रभुत्व की स्वामी, मतलब जनता जो है वो संप्रभुत्ता क्या है, स्वामी है। प्रजातंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत राज्य की संपूर्ण जनता से है, मतलब जब जनता के द्वारा ही मतदान क्या होता है, संपन्न होता है, जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता ही मतलब किसी को अगर कोई अगर चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसको जनता के द्वारा ही, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको एक ही व्यक्ति उठना है। आप देखोगे चार उम्मीदवार होते हैं बेटा, अभी चुनाव प्रक्रिया आप जनवरी में अपने यहाँ देखोगे जबलपुर में ना। फिर है शासन का संचालन प्रतिनिधियों द्वारा, मतलब जो शासन है उसका संचालन कौन करता है, प्रतिनिधियों के द्वारा होता है शासन का संचालन, प्रतिनिधियों द्वारा। तो प्रजातंत्र में शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि करते हैं, मतलब आपका कोई भी कार्य होगा आपने जिस प्रतिनिधि को चुना तो उसके जो जितने भी कार्य हैं शासन संबंधी वो कौन कराएगा, प्रतिनिधि के द्वारा।
दलों के गठन की व्यवस्था, तब जो राजनीतिक दल है उनके दलों की व्यवस्था, तो प्रजातंत्र के राजनीतिक दलों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाता है। दो या दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, मैंने बताया था बेटा चुनाव प्रक्रिया में कई उम्मीदवार हुआ करते हैं, जिसे दल को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त होता है वही शासन का क्या करता है, संचालन करता है। मतलब जिसको अधिक से अधिक बहुमत मिलेगा, जिसको अधिक से अधिक बहुमत प्राप्त होगा वही शासन का क्या करेगा, संचालन करेगा। फिर उसके बाद है बेटा प्रजातंत्र में संविधान द्वारा, मतलब चुनाव की व्यवस्था जो होती है वो किसके द्वारा होती है, संविधान के द्वारा होती है। जो प्रजातंत्र में है चुनाव की व्यवस्था, प्रजातंत्र में सर्वाधिक निर्धारित तिथियों पर चुनाव होते हैं। चुनाव के आधार पर वयस्क मताधिकार भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। चुनाव अपने यहाँ कितने वर्ष में होते हैं बेटा, 5 वर्ष। तो फिर पांचवा है बेटा नागरिकों को अधिकार व समानता प्रदान करना। अपने प्रजातंत्र में नागरिकों को अधिकार एवं समानताएं प्रदान करना, अपने अपने मतों का उचित ढंग से प्रयोग कर, मतलब आप जब भी मतदान करें तो अपने अपने मतों का उचित ढंग से, मतलब अपने विवेक से अपने उम्मीदवार को चुने, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, इसलिए यथासंभव अधिकार व स्वतंत्रता आपको प्रदान की जाती है। मतलब आपको कोई भी व्यक्ति चुनाव में आप चुनेंगे आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, आप इसके लिए क्या है, आपको स्वतंत्र अधिकार प्रदान किया है या हाँ प्रतिनिधि स्वयं चुन सकते हैं। फिर है शासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो शासन जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व। जनता के प्रति क्या है शासन का, उत्तरदायित्व। जब भी कोई प्रजातांत्रिक शासन के प्रति उत्तरदायित्व स्थिति, क्योंकि तब जनहित की अवहेलना करने पर उन्हें पछताना, आप जो भी उम्मीदवार चुने अगर आप अपनी कसौटियों पर खरा नहीं उतरेगा तो उसको पद से हटाया भी जा सकता है। फिर है बेटा सातवां, लोक या जन कल्याणकारी राज्य का आदर्श। तब लोक सातवां हो गया बेटा, लोक एवं जनता कल्याणकारी राज्य का आदर्श। तो प्रजातंत्र का मुख्य कार्य मतलब प्रमुख आदर्श जनहित होता है, तो जो भी प्रतिनिधि चुनेगा प्रजातंत्र में उसके लिए सिर्फ किसके लिए कार्य करेगा, वह जनता के लिए, जनता के हित में उसको क्या करना होगा, जो भी कार्य करेगा जनता के। इस व्यवस्था में यथासंभव लोक कल्याणकारी कार्यों को महत्व दिया जाता है। फिर है आठवां, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। आठवां है बेटा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, मतलब बिना पक्षपात। संविधान की समस्त व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू की जाती है, संविधान समस्त व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू है, इसलिए प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। मतलब स्वतंत्र प्रजातंत्र के लिए स्वतंत्रता, निष्पक्ष और न्यायपालिका का होना मतलब अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण लक्षण है। एक प्रश्न ये भी है बेटा, डेमोक्रेसी क्या है, ये प्रश्न है बेटा एक आपके लिए। तो डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से, मतलब तो डेमोक्रेसी यूनानी शब्द का डेमो क्रोसिया से बना है। यूनानी में डोमोस का अर्थ होता है लोग, तथा क्रोसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है। मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इसकी आपको ये यूनानी भाषा में शब्द से लिया गया है बेटा, ये परिभाषा ही है। आप सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।